गुड मॉर्निंग लर्नर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू हिंदी में, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं इन पार्ट नंबर 1, 2, 3। सो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, ऑप्शंस हैं, तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना, समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना, खोज की इच्छा जागृत करना, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। तो प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, प्रोजेक्ट क्यों दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनमें सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? किसने कहा था कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? स्टर्न ने कहा था, मैकडूगल ने कहा था, नन ने कहा था, वेल्वेटाइन ने कहा था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति किसने कहा था? ये कहा था मैकडूगल ने। अगला प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है? तो प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था, पिनसेंट ने, रेमाउंट ने, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये कहा था। देखो, खेल बालक की जन्मजीत स्वाभाविक प्रवृत्ति किसने कहा था? मैकडूगल ने, ठीक है। और प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये कहा है रेमोंड ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने, बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेसिक शिक्षा की धारणा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक शिक्षा की धारणा किसने दी थी, तो उसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। बेसिक शिक्षा की धारणा महात्मा गांधी ने दी थी। अब महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? शांति निकेतन में किया था, टॉलस्टॉय फॉर्म में किया था, नोआखली में किया था, सेवाग्राम में किया था? तो ये याद रखना है, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में किया था। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव, खेल का मैदान। तो इनमें से कौन करता है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना? पुस्तकें पढ़ने से तो सिर्फ आ नहीं जाएगी, और प्रार्थना सभा में भी तो बस एक बार आप खड़े हो गए, प्रार्थना की और चले गए। वार्षिकोत्सव में सभी को नहीं मिलता मौका। तो खेल के मैदान में छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त
पाठ्यक्रम वे हैं जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करें। ये सभी तो स्टूडेंट्स के लिए वो पाठ्यक्रम उपयुक्त है जो उनका विकास भी करे, उनके अनुरूप भी हो और सोसाइटी के नीड को भी पूरा करे। तो ये सारे के सारे सही है। तो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है ताकि लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाया जा सके। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। अब सिर्फ शिक्षकों को सम्मान दे और आज्ञा माने तो श्रेष्ठ तो हो नहीं जाएगा, ना ही जो डेली आता है और मॉनिटर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रेष्ठ है। जो अनुशासन में रहे, और अब ये दो ऑप्शन है, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखते हो, तो छात्र वही बच्चे श्रेष्ठ है जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। सर नेगेटिव क्या है इनमें? अनुशासनहीनता नहीं करते, ये तो पॉजिटिव, हमने तो नकारात्मक प्रतिक्रिया पूछा तो ये गलत हो गया। कक्षा में शोर नहीं मचाते, ये भी गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव प्रतिक्रिया पूछी है ना। तो छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। देखो स्टूडेंट्स की नेगेटिव प्रतिक्रिया तभी होगी, नकारात्मक तभी होगी, जब वो कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसी शिक्षक की क्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि व अनुभव, शिक्षक के व्यक्तित्व। किसी शिक्षक की क्षमता की जांच, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब कि वो स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना ही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस सीरीज में इतने क्वेश्चंस,
सीरीज नंबर 5 जल्दी ही आपके सामने आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।